बेगिन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो Y56 फोन में कलर स्क्रीन के बैकग्राउंड में एंड कैसे डायलर के बैकग्राउंड में फोटोज गाइस कैसे लगाएं। गाइस अगर आप भी अपना फोटो लगाना चाहते हैं कलर स्क्रीन के बैकग्राउंड में या फिर डायलर के बैकग्राउंड में, बट गाइस अगर आप लगा के यूज नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको गाइस सेटिंग करके बता रहा हूं अपने फोन में कलर स्क्रीन के बैकग्राउंड में फोटो कैसे लगा सकते हैं, डायलर के बैकग्राउंड में गाइस फोटो कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए साइड में फोन मिलेगा, ठीक है। आपको पहले करना कि अपने फोन में गाइस प्ले स्टोर गाइस ओपन कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर जब गाइस ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सर्च बार में जाना, माई कॉन्टेक्ट फोन डायलर या फिर माई फोटो फोन डायलर लेके आप सर्च गाइस कर लीजिएगा, ठीक है। सर्च करेंगे काफी एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, बट गाइस ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। माई फोटो फोन डायलर हमने इसको ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखा, तो हम देखिए एप्लीकेशन को गाइस ओपन करते हैं। एप्लीकेशन गाइस हमने ओपन किया, गो टू सेटिंग का एक ऑप्शन है, यहाँ पे गाइस क्लिक करते रहना, ठीक है। नीचे फिर यहाँ पे गाइस क्लिक कर देना है, क्लिक करेंगे रिक्वायर परमिशन का एक ऑप्शन है, यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करके कट पे गाइस क्लिक कर देना। यहाँ पे आपको आई हैव रेड एंड एग्री टू द टीम्स, ठीक है, कंटिन्यू कर देना है, फिर से सेम वही दोबारा कर देना है। इसके जरिए देखिए अपने फोन में गाइस आप डायलर में बिल्कुल चेंज करना चाहेंगे वो भी गाइस कर सकते हैं, ठीक है। चेंज डिफॉल्ट डायलर एप्लीकेशन, यहाँ पर गाइस क्लिक कर लेना। कॉल फोन का एक ऑप्शन है, नीचे आपको सिंगल एक फोन का ऑप्शन आएगा, बट यहाँ पे कॉल फोन पर गाइस क्लिक करके सेट एएस डिफॉल्ट पे गाइस क्लिक कर देना। क्लिक करें कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए हमारे फोन में कॉलर स्क्रीन के बैकग्राउंड में फोटो लगा के दिखाएंगे और डायलर के भी बैकग्राउंड में गाइस बिल्कुल फोटो लगा के दिखाएंगे। ऊपर यहाँ पे गाइस क्लिक कर लेना, कॉलर स्क्रीन पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर गाइस क्लिक कर लेना, बैकग्राउंड पे गाइस क्लिक कर लेना, ठीक है। पिक इमेज पे गाइस क्लिक कर लेना, यहाँ पे आपको जो अपना फोटो सिलेक्ट करना गाइस फोटो को बिल्कुल सिलेक्ट गाइस कर लीजिएगा, ठीक है। हमने गाइस कर दिया, अब आपको अप्लाई पर गाइस क्लिक करना, अप्लाई सक्सेसफुली पे गाइस क्लिक कर देना। यहाँ पर एक्चुअली जब गाइस क्लिक करेंगे यहाँ पे गाइस कुछ आपको ऐड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐड को आपको थोड़ा सा वॉच कर लेना, ऐड को स्किप गाइस ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अभी स्किप होगा बट गाइस ऐसे तुरंत स्किप नहीं होगा, ऐड को 15 सेकंड वॉच करना, उसके बाद यहाँ से बैग आना, अप्लाई पर गाइस दोबारा क्लिक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉलर स्क्रीन है, कॉलर स्क्रीन का गाइस बैकग्राउंड में बिल्कुल गाइस फोटो हमारे फोन में ऐड हो चुका है, ठीक है। एड्स लोडिंग का एक ऑप्शन सिंगल बैक करेंगे, फिर से यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं हमारे फोन में जो गाइस कॉलर स्क्रीन का बैकग्राउंड में जो हमने गाइस इमेज को लगाया, इमेज गाइस यानी कि फोटो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ से देखिए हम सिंगल बैक आते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट पे गाइस हम क्लिक करते हैं, बट यहाँ पे जब बैक आएंगे फिर से दोबारा ऐड आएगा, ठीक है। एड्स लोडिंग का एक ऑप्शन है, ठीक है। हम दोबारा से यहाँ जब बैक आए फिर से यहाँ पे ऐड देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे गाइस ऐड को आपको 15 सेकंड गाइस वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। वॉच करेंगे उसके बाद देखिए हम डायलर के बैकग्राउंड में गाइस फोटो बिल्कुल लगा के दिखाएंगे। ये तो अभी हमने गाइस कॉलर स्क्रीन के बैकग्राउंड में लगा था, बस अब हम डायलर के बैकग्राउंड में लगा के दिखाएंगे। डायलर पर गाइस यहाँ पे क्लिक कर लेना, यहाँ पर गाइस दोबारा क्लिक करना, बैकग्राउंड पे गाइस क्लिक करना, पिक इमेज पे क्लिक करना, फिर से पिक इमेज पे गाइस क्लिक करना, वही फोटो सेम हम गाइस लगा के दिखाएंगे, ठीक है। जो हमने गाइस कलर स्क्रीन पे लगाया था, अप्लाई पर गाइस क्लिक कर लेना, सक्सेसफुल अप्लाइड पर गाइस क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ भी गाइस आपको ऐड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऐड को ऐसे स्किप नहीं हो, यहाँ भी गाइस आपको ऐड को 15 सेकंड गाइस बिल्कुल वॉच करना पड़ेगा। तो हम देखिए गाइस ऐड को वॉच करते हैं, उसके बाद यहाँ भी दिखाते हैं हमारे फोन में जो गाइस डायलर है, डायलर के भी बैकग्राउंड में गाइस जो हमने फोटो लगाया था फोटो गाइस बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखिए ऐसे बैक आते हैं, ये देख सकते हैं हमारे फोन में जो डायलर है, जो नंबर डायल करने वाला डायलर है, ऐसे यहाँ भी फोटो बिल्कुल लग चुका हमारे फोन में गाइस, फोन डायलर में बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अगर आप अपने फोन में कलर स्क्रीन का बैकग्राउंड में फोटो को लगाना चाहते हैं या फिर गाइस फोन डायलर के बैकग्राउंड में फोटो को लगाना चाहते हैं, तो सेम इसे सेटिंग करके बिल्कुल गाइस कलर स्क्रीन के बैकग्राउंड में फोटो को लगा सकते हैं, डायलर के भी बैकग्राउंड में गाइस बिल्कुल फोटो को लगा के यूज कर सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ।